जैन साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिनका एग्जाम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, एसएससी जीडी के हुए हों, जिनका स्कोर अच्छा नहीं गया है और वो निराश हैं। तो उन सभी के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि टोटल 39,581 पोस्ट एसएससी जीडी की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकेंगे 5 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। तो ये काफी अच्छी खुशखबरी है, जो कैंडिडेट निराश थे, इनका अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं हुआ था एग्जाम में, तो वो अब फिर से अपना तैयारी शुरू करके इसके लिए जो है एग्जाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम कराया जाएगा जनवरी या फरवरी माह में 2025 में, अभी कंफर्म डेट नहीं मालूम है ना, भर्ती बोर्ड ने क्लियर किया है। एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी आती है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी होती है। तो टोटल लगभग 40,000 के इसमें वैकेंसी है और इसमें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ पोस्ट है डिक्लेयर नहीं किया गया है, जैसे एसएसबी में भी कुछ पोस्ट बढ़ेंगी और भी एक आध फोर्स में कुछ पोस्ट इसमें बढ़ने वाली है। तो काफी ज्यादा कोर्स, मतलब काफी ज्यादा संख्या है पदों की और काफी जो है अच्छी कह सकते हैं खबरी है। अब इसमें एक चीज जान लीजिए कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है और दूसरी वैकेंसी आ गई है। तो जनरल के लिए 18 से लेकर के 23 साल तक एज का क्राइटेरिया रहेगा, और एससी एसटी जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, जो कि हर वैकेंसी में मिलता है। तो ये एज लिमिट होने वाली है। दूसरी चीज ये है, इसमें एलिजिबिलिटी आपका 10th पास मांगता है, आप 1/1/2025 तक 10th पास हो, ऐसा उसने मांगा है। और आपका एज जो है काउंट भी किया जाएगा 1/1/2025 से, यानी इस बार जो है जनवरी से आपका एज काउंट किया जाएगा। जैसे वैकेंसी लेट में आती थी तो आपका जुलाई से काउंट किया जाता था, लेकिन वैकेंसी अब इस बार पहले ही आ गई है, एग्जाम आपका जनवरी में कराया जाएगा, तो आपका जो है 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट किस फोर्स की है। तो सबसे ज्यादा पद है इसमें बीएसएफ के हैं, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपके सीआरपीएफ के हैं, फिर उसके बाद सीआईएसएफ के हैं, फिर अदर पोस्ट हैं। इसमें एनसीबी के भी पोस्ट हैं और एसएसएफ के भी पोस्ट हैं, एनआईए का भी नहीं डिक्लेयर है इसमें, है एक भी पोस्ट नहीं है। तो अगर आपको भरना है सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी होती है और सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ आपका एनसीआरपी का, एनसीबी का जाता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, और दूसरा है आपका एसएसएफ, इसका भी हाई कट ऑफ जाता है, तो ये काफी अच्छी फोर्स मानी जाती है। और एसएसबी इसके बाद में सीआईएसएफ, सीआईएसएफ भी काफी बेस्ट फोर्स मानी जाती है। इसके बाद में आप कोई भी भर सकते हैं, एसएसबी बीएसएफ सीआरपीएफ कोई भी भर सकते हैं।